नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज का भारत में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। बात देश में बढ़ते लव जिहाद के साथ पीएफआई की साजिश, जिसमें भारत के केरल राज्य को अगले 20 साल में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की खतरनाक सोच और उसके आतंकी विचारधारा, साथ ही हिंदू क्रिश्चियन लड़कियों को झूठे प्यार और फिर उनकी जिंदगी को जहन्नुम यानी नर्क बनाने से लेकर आईएसआईएस को सौंपने तक की, इन सब का कनेक्शन क्या है, कैसे है, इसकी बात क्यों हो रही है। दरअसल केरल जैसे राज्यों में किस तरीके से धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का खेल खुलेआम खेला जा रहा है, इसी पर आधारित फिल्म द केरल स्टोरी आ रही है, जो कि 5 मई को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में बताया गया है कि कैसे हिंदू लड़कियों को पहले तो गुमराह किया जाता है, फिर उन्हें मुसलमान बनाया जाता है और फिर उन्हें आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। पहले उन्हें छेड़ा जाता है, फिर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और कहा जाता है कि जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं उनके साथ ना तो छेड़छाड़ होता है और ना ही रेप जैसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि अल्लाह सबको प्रोटेक्ट करता है। मजहब के नाम पर धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा खेल जो खुलेआम केरल जैसे राज्य में चल रहा है, ये फिल्म उसी को लेकर है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही एक खास या कहें कि वामपंथी विचारधारा को दिक्कत होने लगी है। ये वही लोग हैं जिनको कश्मीर में हुए नरसंहार, हिंदू पंडितों की बेटी बहुओं के साथ में जो बलात्कार होता है या उन्हें मार दिया जाता है और उनका सच जब कश्मीर फाइल्स के जरिए सबके सामने आता है, तब इन्हें दिक्कत होने लगता है, क्योंकि इस्लामिक कट्टरवाद का कड़वा सच या कह लें कि इनका घिनौना सच, जिसे सुनकर जानकर आप भी नफरत करने लगे, तकलीफ तो अब होगी ही। दरअसल केरल स्टोरी में उन 32,000 लड़कियों की कहानी का वह अनसुना सच है जिसे इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है, कि कैसे सालनी को पहले फातिमा बनाया जाता है, फिर उन्हें अफगानिस्तान भेजकर उनकी जिंदगी जहन्नुम, जिसकी शुरुआत केरल से होती है। वामपंथी विचारधारा को कश्मीरी पंडितों और उनके नरसंहार पर बनी फिल्म या फिर कहें कि द केरल जैसी स्टोरी से दिक्कत होती है, लेकिन इनको बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से दिक्कत नहीं है। वहां ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एजेंडा तो चलाते हैं, बाकायदा जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में स्क्रीनिंग भी होती है। मोहम्मद जुबैर जैसे लोग फैक्ट चेकर के नाम पर ऐसे एजेंडे को सही और प्रमोट भी करते हैं। मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेक अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। आज इनका थोड़ा सा सच आपको बताते हैं। पिछले दिनों फैक्ट चेक के नाम पर जेल की हवा खा चुके हैं, अब द केरल स्टोरी को भी फैक्ट चेक करके गलत बता रहे हैं। कोई नहीं, आज हम द केरल स्टोरी का फैक्ट चेक आपको बता देते हैं। अगर मोहम्मद जुबैर की हिस्ट्री को देखेंगे तो ये हिंदुओं के फैक्ट बड़े सही तरीके से चेक करते हैं, लेकिन बात मुसलमान या इस्लामिक आतंकवाद कट्टरपंथी सोच की हो तो इनके फैक्ट चेक करने की क्षमता गायब या खो जाती है। लेकिन कोई नहीं, आज हम आपको द केरल स्टोरी का फैक्ट चेक बताते हैं। हिंदुओं के साथ क्रूरता और केरल का सच क्या है और इन्हें क्यों दर्द हो रहा है, द केरल स्टोरी आने के बाद से ही आइए आज आपको बताते हैं। केरल में इस्लामिक शोषण का सच ये है कि पूर्व में केरल के मुख्यमंत्री रहे ओमान चांडी ने विधानसभा में आंकड़ा पेश करते हुए माना कि हर साल 2800 से लेकर 3200 लड़कियों को इस्लाम कबूल कराया जा रहा है। ध्यान दें कि ये केरल के मुख्यमंत्री ने आंकड़ा रखा है, कोई ऐसा वैसा नहीं किसी ने रखा है, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया है। 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस अच्युतानंद ने माना कि पीएफआई 20 वर्षों में केरल का इस्लामीकरण करना चाहती है। इसी आतंकी सोच को देखते हुए सरकार ने पीएफआई को पूरे देश में बैन कर दिया था। यही नहीं, केरल हाई कोर्ट ने भी साल 2009 में जांच का आदेश दिया और पता करने की कोशिश की कि क्या युवाओं को पैसे, झूठे प्यार का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और फैक्ट यही है कि केरल में निमसा पहले तो फातिमा बनकर फिर आईएसआईएस में शामिल करने के लिए अफगानिस्तान भेज दी जाती है, सोनिया आयशा बन जाती है, ऐसे न जाने कितने मामले
अब तक केरल में आ चुके हैं और ये वही लड़कियां हैं जो अब अफगानिस्तान की जेल में बंद हैं। तो ये है इस्लाम के शोषण का कड़वा सच जो आज आपके सामने रखा है। इस आधार पर आप तय करिए कि कितना झूठ है और कितना सही। इस हफ्ते इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।